नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। देश के गृह मंत्री अमित शाह का एक कथित वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करना छतरपुर के एक युवक को महंगा पड़ गया है। जिले के गठेवरा गांव निवासी उमा शंकर कांग्रेस आईटी सेल के जिला संयोजक है, जिसने करीब 4 दिन पहले अमित शाह का वीडियो जो एक्स पर मिला था उसे प्रसारित कर दिया था। बाद में दिल्ली पुलिस ने वीडियो को लेकर मामला दर्ज कर दिया है। मंगलवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल छतरपुर पहुंची और युवक से थाने में करीब 3.5 घंटे तक पूछताछ की गई है। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में 4 से 9 मई तक सुवृष्टि के लिए सौम्यक अनुष्ठान कराने की तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है। मंदिर परिसर में जलस्तंभ के पास करीब 70 फीट लंबी यज्ञशाला का निर्माण कर आहुति के लिए यज्ञ की वेदी बनाई गई है। 4 दिवसीय अनुष्ठान हजारों साल पुरानी यज्ञ परंपरा से किया जाएगा। अनुष्ठान कराने के लिए महाराष्ट्र योगीराज वेद विद्या आश्रम के विद्वान पंडित शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में मई के महीने में 5 से 8 दिन हीट वेव यानी गर्म हवाएं चलेगी। प्रदेश के पूर्वी हिस्से के अलावा ग्वालियर चंबल में असर ज्यादा रहेगा। वहीं 10 से 17 मई के बीच और महीने के आखिरी दिनों में भीषण गर्मी पड़ सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह अनुमान जताया है। मई में प्रदेश के सामान्य से अधिक बारिश भी हो सकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से ऐसा होगा। इससे पहले मई के पहले ही दिन प्रदेश में 9 शहरों में दिन का टेम्परेचर 40 डिग्री के पार रहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सुबह शिप्रा नदी में डुबकी लगाई है। डुबकी के जरिए सीएम ने शिप्रा नदी में गंदगी का मसला उठाने वालों को संदेश भी दिया है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी महेश वर्मा शिप्रा में गंदगी का उल्लेख करते हुए नदी में उतरे थे और पानी का आचमन भी किया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि अरबों रुपया खर्च करने के बाद भी नदी की यह हाल है। तब भाजपा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया ने इसे नौटंकी करा दिया। उज्जैन के दंडी आश्रम में बच्चों से कुकर्म करने का दूसरा आरोपी अजय ठाकुर गिरफ्तार कर लिया है। सेवादार ठाकुर को बुधवार देर रात आश्रम से पकड़ा है। गुरुवार सुबह 6 बजे पुलिस उज्जैन लेकर आई है। शहर की बड़नगर मार्ग स्थित दंडी सेवा आश्रम में संचालित गुरुकुल में बच्चों से यौन शोषण के खुलासे के बाद पुलिस ने आचार्य राहुल शर्मा और सेवादार अजय ठाकुर पर अलग अलग 3 FIR दर्ज कर ली है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर चुनावों में धांधली करने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि चुनाव आयोग मतदान के जो आंकड़े जारी कर रहा है उसमें मत प्रतिशत 5.75% तक बढ़ा हुआ दिखाया जा रहा है। ममता बनर्जी का कहना है कि उन स्थानों पर ईवीएम बदली जा रही है जहां भाजपा के पक्ष में कम वोट है। चुनाव आयोग को इसकी जाँच करना चाहिए। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाहिद गाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई है। जस्टिस मयंक जैन की बेंच ने इस केस की सुनवाई कर रही है। हिंदू पक्ष की बहस 30 अप्रैल को पूरी हो चुकी है। हाईकोर्ट आज कोई बड़ा फैसला दे सकता है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ईदगाह का 2.5 एकड़ का एरिया भगवान कृष्ण का गर्भगृह है। यहाँ बाद में ईदगाह का निर्णय कराया गया था। दिल्ली एलजीबी के सक्सेना के आदेश पर दिल्ली महिला आयोग से 223 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। आरोप है कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नियमों के खिलाफ जाकर बिना अनुमति के इनकी नियुक्ति की थी। आदेश में DCW एक्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि आयोग केवल 40 कर्मचारियों को ही रख सकता है, लेकिन एलजी की मंजूरी के बिना 223 नए पद बनाए गए हैं। आयोग के पास कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। स्वाति मालीवाल ने जनवरी 2024 में आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहली बार मध्य प्रदेश आ रही है। वे गुरुवार को दोपहर 4:15 बजे मुरैना में चुनावी सभा करेंगी। कांग्रेस ने यहां से सत्यपाल नीटू सिकरवार को प्रत्याशी बनाया है। उनका मुकाबला भाजपा के शिवमंगल सिंह तोमर से है। प्रियंका बिलासपुर से दोपहर 3:15 बजे ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचेंगी। ग्वालियर से मुरैना 4:15 बजे पहुंचेंगी। प्रमुख खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए खबर मध्य प्रदेश के साथ।